नमस्ते प्रिय दोस्तों, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अकाउंटिंग रेशियो निकालना। तकरीबन 6 अकाउंटिंग रेशियो निकालनी है, जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है वह है इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,70,000, डेप्रिसिएशन 60,000, इक्विटी डिविडेंड पेड का जो परसेंटेज है वह है 20% और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास 40, यानी बाजार में जो एक इक्विटी शेयर की वैल्यू है वह है 40 रुपीज। तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए किसी भी अकाउंटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए वह है उसका फॉर्मूला, तथा यह अकाउंटिंग रेशियो रिलेशनशिप बताती है 2 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो हम फर्स्ट चेक करेंगे कि डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स का क्या फॉर्मूला है। डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर यह हमें बताता है कि डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, और दूसरा जो इसका रिलेशनशिप है मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर, यानी डिविडेंड पर शेयर 20% ऑन वन शेयर, ये हमारे पास आ गया 20% ऑफ रुपीज 10 डिवाइड रुपीज 40, काट के हमारे पास 2 डिवाइड 40 इज इक्वल टू 0.5, मींस 5%, 5% is dividend of each market value of a share, means के अगर हम बाजार में हमारे shares का एक share का 5% हमें जो है dividend मिलेगा जो हम अपने shareholders को देंगे। दूसरा है हमारे पास cover preference dividend, ये शो कहता है कि टोटल प्रॉफिट का कितने टाइम्स हमें डिविडेंड मिल सकता है, मींस जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स डिवाइड डिवाइड डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड मींस 2,70,000 डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड मींस 9% ऑन 3,27,000 मींस फिक्स डिविडेंड इज 9% ऑफ 3 लाख, 3 लाख का तो वो 27,000 आएगा, यानी लगभग ये 10% सॉरी 10 टाइम्स, यानी 10 गुना हमारे पास जितना लाभ है उसका 10 गुना हमें प्रेफरेंस डिविडेंड देने की कैपेसिटी है, ये शो कर रहा है। इसके अलावा कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड, यहां जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, ओके तो इसमें क्या करना है डिवाइड इक्विटी डिविडेंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2,70,000 माइनस 27,000 ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 20% ऑफ 8 लाख, 8 लाख इनटू 20%
एप्रोक्सीमेटर इट इज 20% एट लैख 20% 1,60,000 एंड 2,70,000 माइनस 23,000 भाग 1,60,000 ये आएगा 1.51 टाइम्स। यदि हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इतना हो तो हम उससे 1.5 गुना डिविडेंड दे सकते हैं। अब हमारे पास रह गई दो इश्यूज, एक नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो मैं आपको बता देता हूं क्या फायदा है। नेट कैश फ्लो का है कि हमारे पास जितना लाभ है ना उसमें डिविडेंड ऐड कर दो और उसमें से जो टोटल मींस नेट कैश फ्लो जितना है उसमें से डेप्रिसिएशन ऐड कर दो और जितना डिविडेंड है वो घटा दो। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि कितना ऑपरेशन से हमें प्रॉफिट आया। तो डेप्रिसिएशन नॉट कैश आइटम है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय मैंने इसको लेस किया था। अब क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए इसको ऐड करेंगे, ये कोई एक्सपेंसेस नहीं है एज ए कैश, मतलब कि हमने हमारे पास कैश का कोई भुगतान नहीं होता जब डेप्रिसिएशन होता है। और इसके अलावा जो डिविडेंड है इक्विटी डिविडेंड है 1,60,000 और प्रेफरेंस डिविडेंड है 27,000, ये दोनों ऐड करके इसमें से घटा दो। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है इसका। मींस हमने क्या निकालना है, कैश प्रॉफिट, नेट कैश फ्लो मींस कैश प्रॉफिट मींस 2,70,000 माइनस प्लस प्लस 60,000 माइनस डिविडेंड। बिकॉज जो डिविडेंड है वो कैश में पेड किया गया है इसलिए वो खर्चा है, यानी 1,60,000 प्लस 27,000 ये हमने कैलकुलेट करना है। और प्राइस अर्निंग रेशियो से पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मीन्स 2,70,000 माइनस 27,000 ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड लेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 80,000 एंड प्राइस अर्निंग रेशियो इज सिंपल, वी विल कैलकुलेट प्राइस अर्निंग रेशियो मींस मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड अर्निंग पर शेयर ई पी एस मींस 40 डिवाइड जो यहां से आएगा, यहां से कितना आएगा 2,70,000 माइनस 23,000 भाग 80,000 3.0 समथिंग 40 डिवाइड 3.0 13% और 13